much for coming here. I'm so happy that आप लोग हमेशा मेरी जो भी फिल्में रही है उस वक्त आप लोग आते हैं, कवरेज करते हैं और काफ़ी पॉजिटिव हमेशा मेरे बारे में लिखे हैं. मुझे कभी भी मीडिया ने लेट डाउन नहीं किया है, बहुत सपोर्ट दिया है. तो आई एम सो हैप्पी दैट आप सब लोग यहाँ पर आए और आज आशना और खुशी के लिए अपनी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और एक पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है जब भी आप लोग जुड़ते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग. टेल यू फ्रेंकली, जब ये सवाल उठा कि ओके वी वॉन्ट टू डू समथिंग इन द मीडिया फील्ड, तो मेरा सबसे पहले ये सवाल था कि आपके अपने फैंस कलेक्ट करना या फैंस होना ये बहुत बड़ी बात है. इसके लिए भगवान की मेहर आपके साथ में होनी चाहिए कि आप में उस तरह की जो कला है उस प्लेटफॉर्म पे आप उसको लेके जाओ और लोगों के दिल में अपने लिए अपने टैलेंट पे जगह बनाओ. तो सबसे पहले तो आप लोग कुछ करके दिखाइए, फैंस इकट्ठा करके दिखाइए, तो मैं मानूं कि हाँ आप लोग उतनी मेहनत, उतनी डेडिकेशन, क्योंकि हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री दिखने में बड़ी ग्लैमरस है लेकिन इसके पीछे जितनी शिद्दत और जितना डेडिकेशन चाहिए वो आज मुझे लगता है यंगस्टर्स उतना ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे इस बात को लेकर हमेशा दुविधा रहते हैं, क्योंकि घर में हमेशा पैम्पर्ड होते हैं. घर के बाहर जाके जब प्रूफ करो तब लोहा मनवाए हो ये बात साबित होगी. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज जब कहीं ना कहीं शुरुआत में टिकटॉक फन और मस्ती के हिसाब से शुरू किया गया, उसका हमेशा एम रहा है कि शी वॉन्ट्स टू बी अ वेरी बिग ब्लॉगर और वो ब्लॉगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रही थी. तो जब उसने टिकटॉक शुरू किया, फ्रेंड्स हुए और काफ़ी अच्छा उनका ग्रुप हुआ, अच्छा कंटेंट क्रिएट करने लगी और लिखने लगी, तो चीज़ें समझ में आने लगी कि ओके उसको फिल्मिंग की समझ है, एडिटिंग की समझ है, उसको जो इंटरेस्ट है वो राइट डायरेक्शन में है. एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज विच वुड रियली टेक हर ऑन अ डिफरेंट हाइट. एंड टू माय सरप्राइज पार्थिव जी की, पार्थिव गोहिल जिनकी ये फिल्म है सोलसूत्रा प्रेजेंस बोलकेरी, इट इज़ अ गुजराती फिल्म, बट फॉर द फर्स्ट टाइम उन लोगों को ये था कि इस फिल्म में हम लोग कुछ एक पेपी नंबर रखना चाह रहे हैं जो कि मोर ऑफ हिंदी नोट पे होगा लेकिन पूरी गुजरात की होगी. तो जब ये सोचा गया, मैंने देखा कि उनका सेटअप बहुत प्यारा था. मूवी में भी अगर देखेंगे तो उसमें मानसी पारिक जी है जो बहुत अच्छी परफॉर्मर रही है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में जैसे उरी जैसी फिल्में की है और परफॉर्मेंस से प्रूव किया है. मल्हार ये गुजरात से बहुत ही टैलेंटेड परफॉर्मर एक्टर रहे हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है. पार्थिव जी इन हिमसेल्फ ही हैज़ अ वेरी बिग नेम एज अ सिंगर. सो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द होल सेटअप एंड टू टॉप इट ऑल वी हैड द ओनली वन द ग्रेट सिंगर दैट वी हैव इज मीका सिंह, जिनके लिरिक्स भी है, जिनका ये गाना भी है और गाने में उनके बोल और सिंगिंग भी है. तो मैंने कहा ये तो सब सोने पे सुहागा वाला इक्वेशन हो गया है फॉर देम टू वेंचर ऑन टू सिल्वर स्क्रीन. एंड दैट्स हाउ वी वेंट अहेड विद द सॉन्ग एंड वेरी सून यू विल सी दैट ग्लिम्स ऑफ द सॉन्ग ऑल्सो. लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि गुलकेरी का अभी जो फिल्म का वर्जन निकला हुआ है सॉन्ग का, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा. ये फिल्म भी बहुत ही प्यारी है. इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स एंड किस तरीके से एंगेजमेंट टू रिलेशनशिप में मतलब चेंजेस होते जाते हैं, शादी तक क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और किस तरह से मनमुटाव होता है यंगस्टर्स में, पेरेंट्स किस तरह से मनाने की कोशिश करते हैं. तो एवरी फैमिली कैन रिलेट टू दिस फिल्म. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेटेड देम दैट दे केम अप विद समथिंग लाइक दिस एज देयर फर्स्ट फिल्म. सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई थिंक देर कुड बी नो परफेक्ट ब्रेक दैन दिस, बिकॉज आई थिंक विथ वीडियो एल्बम एंड यू लॉन्च यू गेट टू नो वेदर दे आर टैलेंटेड और नो. एंड आई थिंक एवरी एक्सप्रेशन ऑफ देयर्स टेल्स मी दैट आई एम श्योर दे विल डू सम नॉइज अबाउट देमसेल्व्स इन द इंडस्ट्री एंड ऑफ कोर्स दैट विल बी पॉसिबल विथ ऑल योर ब्लेसिंग्स. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल दैट यू ऑल हैव कम हियर और आप लोगों ने अपना वक्त दिया. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. मुझे लगता है कि बच्चे अपने घर में ज़्यादा पैम्पर्ड रहते हैं, जब वो बाहर जाकर काम करते हैं और उसको सफ़र को वो अपनी टैलेंट पे, अपने हार्डवर्क पे करते हैं तो उसका मज़ा एक अलग होता है. सो आई वुड रियली वॉन्ट एनी पेरेंट जो भी मतलब बिजनेस अपना रखते हैं, वो अपने घर में बिजनेस जो करते हैं, उनको बच्चों को पहले आप बाहर
ग्राउंड लेवल से काम करने दीजिए, ओनली देन दे विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू फॉर मनी. और मुझे लगता है कि उससे एक बेसिक ग्राउंडेड नेचर इंसान को समझ में आता है कि आपको कैसे शुरू करना है, कैसे सबसे प्यार से रहना है. ये चीज़ें मुझे लगता है जब आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, तभी आपको समझ में आता है. तो मुझे लगता है ये उनके लिए परफेक्ट ब्रेक है और इससे बेटर चीज़ नहीं हो सकती है कि वो अपने टैलेंट पे जो करें, मुझे उसमें सबसे बड़ी खुशी होगी. Yes, I rediscovered myself as a singer with a song called Diamond Ring. हमने Beyond Music में काफ़ी हमारे talents हैं, तो we tried pitching one of a good friend, संजीव चतुर्वेदी जी and अजय केसवानी जी, और उनके ये फिल्म में उनके basically एल्बम में ये गाना जा रहा था. And they really liked my voice because it was different and I started my journey as a singer. So yeah, I am nothing, I am no one. But with the love of everyone, always there is some kind of appreciation that I end up getting. ये मेरे अच्छे कर्म है, यही मैं कहूँगी. Thank you so much. वैलेंटाइन डे मैं नहीं सोचती हूँ कि सिर्फ लड़का और लड़की के लिए है. मुझे लगता है वैलेंटाइन डे एक माँ और बेटे के बीच में भी होता है, या माँ और बेटी के बीच में भी होता है. वैलेंटाइन डे उसके लिए होता है जिसको आप प्यार करते हैं. प्यार सिंबल हर एक पे जाता है. तो आई वुड जस्ट से दैट ऑल द सॉन्ग्स ऑफकोर्स दे डू रॉक, बट वैलेंटाइन डे इज़ अ वेरी गुड एक्सप्रेशन जहाँ पर आप अपने प्यार का सिर्फ इजहार करते हो. सो हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरी वन, ऑल ऑफ यू. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.